अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी ये देखिए जी, आज सुबह सुबह थोड़ा तैयारी रखकर हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना होने लगे हैं। वहाँ पर छोटा सा बिजनेस टूर है ये, तो इंशाल्लाह हम जा रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आपको रास्ते में। इंशाल्लाह आए, हम चलते हैं। जी वेलकम बैक, हम लोग चक्री पहुँचे हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा स्टे कर रहे हैं, हाथ मुँह धोएंगे, वाशरूम वगैरह जाएंगे, फिर इसके बाद अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करेंगे इस्लामाबाद का। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बिल्कुल ठीक जा रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त जा रहा है। अभी तो कोई पता नहीं अंदर व्लॉग इसलिए नहीं मोटर वे पर बना सका क्योंकि सो गया था मैं थोड़ी देर। फिर उसके बाद जो है वो भाई दे रहे थे, फिर मैंने गाड़ी पकड़ ली, भाई फिर सो गए, भाई ने रेस्ट की है। तो अब फिर आगे मैं अभी फ्रेश हूँ बिल्कुल, अब जब मुझे नींद आएगी तब मैं फिर सोऊंगा। ये देखिए चक्री ले जी, अब फ्रेश वगैरह हो गए, आए हम अब चलते। चक्री हम खड़े हैं और ये देखिए हमारी सोन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें गाड़ियों बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आने जाने की तौफीक दी है। उसका जितना भी शुक्र अदा करें वो भी कम है। और ऊपर से रमजान शरीफ के महीने में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अलबेला साहब की हूँ और फील होती है लोग, यानी मैं दसदा एक ड्रामा देख रहे थे, अलबेला साहब खड़े ने ते मानुल्ला साहब कुड़ी बने ने, जान के ना कुड़ी बन के ते आके ना अलबेला साहब कुछ घर के बाप ने, ते उन्हां दे सोहरे ने अमान साहब मनान साहब कुड़ी बनी है, नौ बनी, ते अलबेला साहब अगे सोहरे ने कहिंदे भाई मैनू दस दिओ मैं खानदान च किनू किनू गुम होना ते किनू किनू नहीं होना, लाइक जिदा किधर को पर्दा करना कि अलबेला साहब ने करके थोड़े जे कर दे बेटा जी आज तो बाद जिन्हू मर्जी बहाना मैं नहीं बहा। ये देखिए जी हम लोग शोरूम में आए हैं, पत्थर का शोरूम है सारा। ये है जी रवात, ये देखिए जी शेंक पड़े हुए पत्थर के। देखें जी ये देखिए छोटे छोटे वॉश बेसन पड़े हुए हैं और वो देखिए गिलास भी पड़े हुए हैं, गिलास भी पत्थर के हैं।
पास से निकल गए हैं और रावलपिंडी जा रही है। चल ले रहे हैं और हम लोग वापसी सियाल मोड़ पर आके रुके हैं, बेरे नहीं रुके, चलते ही आए हैं। अब इंशाल्लाह घर जाके मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जी वेलकम बैक। वो देखें जी भाई हमारे थक गए और वो मसाजर ले रहे हैं। उनको थकावट हो गई, वो मसाजर ले रहे हैं। हम लोग जो है सियाल मोड़ पे पहुँचे, वहाँ पर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी है। नमाज पढ़ के तो अब मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। सियाल मोड़ पे तो काफ़ी जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं और कैफेटेरिया भी हैं, मतलब यहाँ पर बैठ के बंदा कॉफ़ी वगैरह जूस वगैरह और भी जो कुछ भी बंदा खा पी ले। उसके बाद ये देखें जद्दी पान शाह फ्रेश जूस भी है इनके पास। और ये हैं जो मसाजर, जो बंदा थकावट हो जाए ना वो इधर मसाजर ले सकता है। और वो देखें वो भाई माद मसाज करवा रहे हैं अपना मशीन पे, और वहाँ तक वो आगे तक कुछ ना कुछ जो है ना है। चले आए हम लोग चलते हैं जी, अपनी कंटिन्यू सफ़र करते हैं।
शख्सियत ही तो नहीं है, इनको बोली लगी है तुम्हारे पापा पे खासा ना हमला हुआ और उन पे चलने वाली गोली उसने अपने पे ले ली। मम्मी उन्हीं को क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ आसमा बेटा, कुछ क्या, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो मम्मी, बस जी हम लोग पहुंच गए हैं जी फैसलाबाद और वापस आके इसकी टंकी फुल करवा रहे हैं गाड़ी की। वो देखें जी पेट्रोल डल रहा है वो 4000 है, 5 और बस और 5 ही बस करो 6 ओए नहीं भाई मुझे लगता है 10:30 पे जाके रुकना है इसने। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत से फैसलाबाद पहुंच गए जी। वेलकम बैक, हम लोग फैसलाबाद पहुंच गए और अब हम लोग तकरीबन बिल्कुल घर के करीब करीब है, और थकावट बहुत ज्यादा हो गई है और मैं अपने व्लॉग को इधर ही एंड करता हूँ। हम लोग यहाँ से सुबह निकले नमाज के बाद इस्लामाबाद से अमरोजाबाद के, वहां पर एक शोरूम जाना था बिजनेस टूर पे, तो इस शोरूम पे गए हैं, वहां पर कुछ परचेजिंग वगैरह करनी थी और वहाँ बिजनेस डील थी वो मैंने नहीं दिखाया क्योंकि कोई प्राइवेसी भी होती है, इस वजह से वो सिर्फ हमने आने जाने का अपना मैंने सफर दिखाया और जो जिस शोरूम पे गए थे वो दिखाया। उसके बाद हमने वहां से निकले, वहां से हम लोग जूतों वाली दुकान पे गए, वहां पर मैंने ये शूज लिए नई खेड़ी नेरोजी ब्लैक कलर में, ये वहां से रावलपिंडी से परचेज किए मैंने, और वो परचेज करके रावलपिंडी से फिर वहां से हम लोग तहजीब बेकरी पे गए, वहां से हमने अपना इफ्तारी का सामान लिया, इफ्तारी का सामान लेके फिर हम लोग वहां से निकले मोटरवे पे चढ़े गए और वहां पर मगरिब की नमाज पढ़ी है, तो 7 बजे हम लोग तकरीबन इस्लामाबाद मोटरवे पे चढ़ गए थे। तो फिर मिली ड्राइविंग करते 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 हम लोग सियाल मोड़ पहुंचे, वहां पर नमाज इशा की पढ़ी आके फिर कॉफी वगैरह पी है और रेस्ट किया वहां पर थोड़ी सी, फिर अब हम लोग यहां पर साइया वाले पहुंच के यहां पर रोड डलवा रहे हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल घर के करीब ही है और उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि मेरे भी मिलियंस में चला जाए। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे व्लॉग को देखने का और आप इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे व्लॉग को देखने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।